नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषांक का परिचय कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये है हिंदवी स्वराज्य प्रणेता श्रीमंत योगी छत्रपति शिवाजी महाराज। ये विशेषांक महाकौशल संदेश विशेषांक है। इसे महाकौशल के विश्व संवाद केंद्र ने प्रकाशित किया है और इस विशेषांक के संपादक हैं युवा पत्रकार कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, जिन्हें हम उपाख्य अटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विशेषांक है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो वर्ष है ये शिवाजी महाराज के जीवन से और स्वराज्य के अवधारणा की दृष्टि से बड़ा महत्व का वर्ष है। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य का की स्थापना का यह 350वां वर्ष है। तो पूरे देश में स्वराज्य क्या है, स्वराज्य की अवधारणा क्या है, स्वराज्य क्यों जरूरी है, स्वराज्य का जो स्व है, इस देश का जो स्व है वह क्या है, इन सब बातों को लेकर के देश भर में एक चर्चा बनी हुई है। लोग चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो विशेषांक है ये शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य, उससे जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों को, बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे आयामों को हमारे सामने लेकर के आता है। यानी उस विमर्श को, उस एक खोज, जो उस जानने की एक ललक है हिंदवी स्वराज्य के विषय में, उस समझ, उस ललक को हमारी पूरी करेगा, उसके बारे में हमारी जो जिज्ञासा है उनको बहुत हद तक संतुष्ट करने का प्रयत्न करेगा। बहुत महत्व की बात यह भी, इस विशेषांक की खासियत है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने अपनी प्रस्तावना लिख करके भेजी है, शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने। सरकार व दत्तात्रेय होसबोले जी की भी शुभकामनाएं और एक छोटा सा लेख, और उनका आग्रह जो उन्होंने आग्रह किया था वो इसमें शामिल है कि हमको पूरे देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को का स्मरण करना है कि ये हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का महत्व तो क्या था, क्यों इसकी स्थापना की गई। फिर बड़े विद्वान लेखक हैं पद्मश्री रमेश पतंगे जी, उनका एक आलेख है। हितेश शंकर, भैया जी जोशी, अनिल माधव दवे की का जो दिवंगत हैं, लेकिन उनका बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उल्लेखनीय काम शिवाजी के ऊपर है और ख़ास करके हिंदवी स्वराज्य के ऊपर उनका बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो उनके कुछ काम को इस विशेषांक में शामिल किया गया है और मेरा भी एक लेख इसमें है जिसमें मैंने स्वभाषा के महत्व पर बात की है। कैसे हिंदवी स्वराज में जब स्व के आधार पर व्यवस्थाएं खड़ी हो रही थी तो भाषा का भी जो है ध्यान शिवाजी महाराज ने रखा। उन्होंने विचार किया कि अपना राज्य है, अपना शासन व्यवस्था है, तो उसका आधार स्वभाषा भी होनी चाहिए। क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि बहुत सारे जो राज्य थे, रियासतें थीं, तो वो मुगलों के प्रभाव में वहाँ जो राज्य की शब्दावली थी उसमें बहुत हद तक अरबी और फारसी के शब्द आ गए थे। तो शिवाजी महाराज ने पहले ही निर्णय किया कि हमारी जो राज्य व्यवहार चलेगा वो स्वभाषा के आधार पर चलेगा। इसलिए उन्होंने एक समिति बनाकर के एक विद्वान जो थे उनको इसकी जिम्मेदारी दी और राज्य व्यवहार कोष के नाम से एक कोष बनाया जिसमें अरबी के जो प्रचलित शब्द थे, अरबी फारसी के, उनको हटा करके उनकी जगह संस्कृत और मराठी के कौन से शब्दों का प्रयोग करना, इसको उन्होंने एक शब्द कोष बनाया। तो स्वभाषा के प्रति स्वराज्य की क्या दृष्टि थी उस पर एक लेख मेरा इसमें है। ऐसे बहुत सारे लेख हैं, तो जीजा माता के ऊपर भी है, फिर उनके प्रबंधन के ऊपर है, सेना के ऊपर है, तो रणनीतिक कौशल कैसा था और कैसा होना चाहिए, इन सब की बात इस विशेषांक में की है। तो ये महत्वपूर्ण विशेषांक है, इसको आप विश्व संवाद केंद्र महाकौशल से मंगा सकते हैं। जबलपुर में इसका कार्यालय है, आप ऑनलाइन भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ इसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी इसको आप मंगा सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर किसी और महत्वपूर्ण कृति के साथ आपसे भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, विदा चाहते हैं। जय भारत।